कश्मीर में जब किसी आतंकी का एनकाउंटर होता है तो चंद लोग उस आतंकी को हीरो की तरह पेश करते हैं। बुरहान वानी के वक्त भी ऐसा ही हुआ था और उसकी जगह लेने वाले हिजबुल कमांडर सबजार अहमद बट को जब सेना ने मारा तब भी ऐसा हुआ। लेकिन ये आतंकी कमांडर नहीं, कायर है, क्योंकि सबजार ने खुद को बचाने के लिए अपने आगे पत्थरबाजों की दीवार खड़ी करने की कोशिश की थी। अब हम जो खुलासा करने जा रहे हैं उससे कश्मीर के पत्थरबाजों को भी ये यकीन हो जाएगा कि आतंकी उन्हें बचाते नहीं, उन्हें मारते हैं। हिंदुस्तान में बैठे ऐसे पाकिस्तान प्रेमी जो हिजबुल कमांडर सबजार अहमद भट्ट को अपना हीरो मानते थे, आज उनके मातम मनाने का दिन है, क्योंकि आज हम वो खुलासा करने जा रहे हैं जो साबित करेगा कि आतंकी सबजार खुद को बचाने के लिए अपने साथियों को ढाल बनाना चाहता था। खुद को आतंक का आका बताने वाले हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर अब्दुल सज्जाद बट इतना कायर निकला कि जब उसे सेना ने चारों तरफ से घेर लिया तो वो छुपा रहा। इस दौरान उसने एक भी गोली नहीं चलाई क्योंकि उसे डर था कि जिधर से वो गोली चलाएगा सेना उधर से फायर करेगी और उसका काम तमाम हो जाएगा। हिजबुल कमांडर सबजार और उसके साथी फैजान को घेरने के बाद सेना ने दोनों आतंकियों से सरेंडर करने को कहा। आतंकियों ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही गोलीबारी की। दरअसल आतंकी गोलीबारी ना करके ये जाहिर करना चाह रहे थे कि वो वहां छिपे ही नहीं हैं। जाहिर है सेना की कार्रवाई का आतंकियों पर खौफ था और वो बचने का रास्ता तलाश रहे थे। सेना ने ऑपरेशन रात में करीब 9 बजे शुरू किया था और जब हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सबजार अहमद बट और उसका साथी फैजान बाहर निकले तो सुबह के 8:30 बज चुके थे, यानी सेना ने उन्हें सरेंडर करने का हर मौका दिया था। जो लोग सबजार को अपना कमांडर बता रहे थे वो जान लें, सबजार कमांडर नहीं, कायर था। जो पत्थरबाज सबजार को अपना हीरो मानते थे वो जान लें, सबजार उन्हें अपने लिए ढाल बनाता था। तो ये सेना की नई स्ट्रेटेजी है, आतंक को मारो और उन्हें हीरो नहीं जीरो साबित करो। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ मनीष शुक्ला, Z Media, दिल्ली।